और बच को साथ में हम लोग एक एपिसोड में इनवाइट करेंगे, और हमने आपके कहने पे यहाँ पे आज इनको इनवाइट किया है। अरे आप ही आज क्रिकेट की दुनिया के वो दो शेर आए हैं मैदाने जंग में, जिन्होंने सैकड़ों इतिहास बनाए हैं। हरभजन और शोएब के वार को बच नहीं सकता है कोई, सब हो जाते हैं चकनाचूर जो इन दोनों से टकराए। अरे क्या मेरे आस पर कुछ और शेर पढ़ रहे थे, हालांकि आशी को पता नहीं कि 26 मैचों में 72 दफा पाकिस्तान जीती हुई है। ताली ठोक भाई। पर एक बात शोएब जी ने कही सही है कि जो वनडे मैचेस हुए हैं जितने भी इंडिया पाकिस्तान के, तकरीबन ज्यादा बार जो है पाकिस्तान जीता है। अच्छा शोएब जी, वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है? वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है? हाँ यार, हम नर्वस हो जाते हैं। प्रेशर इतना ले लेते हैं, पता नहीं समझ लगती। ये जो इंडिया जीता है ना, ये बड़ी जोर से लगी। हाँ बहुत, इसमें कोई शक नहीं। खुदा को कह रहे हैं इस तरह शामत मेरी मेहमान ना हो, किस्मत मेरे लिए कितनी बेईमान ना हो, वर्ल्ड कप में भेजने से पहले ये कर्म करना ऐ खुदा, इस तरफ हम ना हो उस तरफ हिंदुस्तान ना हो। क्या बात है बाजी, नाश्ते में मिर्जा गालिब तो नहीं खा के आ गया? शेर पे शेर निकल रहे हैं। मैंने भी शेर लिखा है वैसे, खुद अपने हाथों से। हाँ अपने हाथों। आपकी शायरी का तो हर कोई दीवाना है, आपके अंदाज पर खुशी से झूमता जमाना है। आज पता चला आपके चेहरे की लाली का राज बाजी, आपके आगे हंसी का और पीछे हुस्न का खजाना। अरे जब पीछे वाली लड़कियों की खूबसूरती की बात है तो शर्माती रहती है, चार पांच बैठी होती है उनको समझ में आता है तारीफ हो किसके लिए। खैर हम आज की शाम की शुरुआत पहले तो शोएब भाई को बधाई देना चाहेंगे। भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शादी की बहुत मुबारकबाद। सो सॉरी मैं आ नहीं पाया, वैसे तो आपने इन्वाइट भी नहीं किया था। हम क्या है बड़े पंजाब वाले, कभी बिना इन्विटेशन के भी चले जाते हैं। बजे भाई आप कभी नहीं ऐसे कोई शादी अटेंड की आपने? कभी की है, दो तीन की। जब मैं छोटा था पटियाला में घुसा था शादी में, जब भूख लगती थी जब भूख लगती थी, कपड़े अच्छे पहने हो तो कोई कभी पकड़ ही नहीं सकता। तो कपड़े भी जैसे आप जैसे दोस्त थे यार, एक देना टी शर्ट नहीं यार, पैंट नहीं। अच्छा मेरा खुद का ही होता था। अरे आप भी तो पाकिस्तानी पंजाब से हैं, हरकतें तो हमारी सेम ही होती है। आपने कभी नहीं की ऐसी चीजें? बड़ा कुछ किया यार, इतिहास गवाह है कि ये दुनिया का सबसे तेज बॉलर। कई बार इसको वेल लेफ्ट करते ना, जब मुंह करके शिफ्ट करके निकल जाती तो सामने वाला आके कहता यार बड़ा अच्छा छोड़ा। मैं कहा यार मुझे तो दिखी ये नजर नहीं आती थी, ठोको यार इसके लिए बदले। शोएब और मेरी बड़ी दोस्ती थी, सारी अंदर की बात है मैं बता रहा हूं। रात को अक्सर खाना हम लोग इकट्ठे खाते, मैं यू भी ये और दो चार और जो पाकिस्तानी दोस्त सकलेन भाई हो, तो ना बड़ा हंसी मजाक चलता था। मैं कहा यार शोएब कल मेरी बैटिंग है ना, हाथ होला रखी मेरे में। अच्छा ये भाई साहब सुबह आए, मैं पहला खड़ा हूँ, पहली बॉल मारी इधर, दूसरी मारी इधर, तीसरी इधर। मैं कहा मैं आज के बाद तेरे यहाँ अंदर रूम में खाना खाने नहीं आऊंगा। मैं कहा यार तू पागल है, तीन विकेटें मैं छोड़ के खड़ा हूँ, इस पे मार खड़े मारे जा रहे। एक यार शोएब खास बात थी, तुम जब सचिन को आउट किया तुम्हें जहाज सा बन के यूं करने लगे, उसके पीछे क्या राज है? वो बचपन में एयर परेड हुआ करती थी हमारे यहाँ जहाजों की, तो मैं पहाड़ी पे खड़ा होकर ना कोने में, हाँ तो हाथ खड़ा करके मैं जहाजों को कॉपी करता था, ऐसे करके भागता था। अच्छा तो वो समझता ये था कि मैं जहाजों की स्पीड को शायद मैच कर सकूं। वो पहाड़ी से नीचे तेज उतरता था, एक बार करके दिखाइए जरा। वो ऐसे करता करता एक बार करिए जरा। एंड इज बोल्ड एंड शोएब इज बोल्ड ठीक है यार। पर आप जब ये विकेट लेते थे तभी जहाज बनते थे कि बचपन में भी जब अच्छे नंबर आए स्कूल में थे तो शोएब फर्स्ट? पर बड़े अच्छे लगते थे भाई आप, ऐसे बाल बाल उड़ते थे, पूरा ऐसा लगता टेक ऑफ हो जाओगे। आज हम वर्ल्ड कप की बातें करेंगे और भी इनके बारे में जानेंगे, घर परिवार के बारे में। एक बार जोरदार ताली हो जाए, आइए विराजमान हो जाइए, ताली जरा जोरदार हो जाए। शोएब जी आपको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस का सफर जो है
कौन से स्टेशन से शुरू हुआ था? यार ये शुरू हुआ था 50 पैसे से लेके 1 रुपए तक, और 1 रुपए से वो लंबी चार चार पांच पांच मील की वॉक्स, चार पांच पांच मील का भागना, जुनून, एक पागलपना, एक पूछने की लगन। जैसे आप आए हो पंजाब से, इतने बॉम्बे में मेहनत की आपने, यहाँ तक पहुंचे, कभी आपको ये यकीन था कि आप शिव अख्तर का इंटरव्यू लगे कभी? आपकी फैमिली में खेलता था कोई क्रिकेट पहले? सारे भाई खेलते थे, मुझे इसलिए लेके, मुझे तीनों भाई इसलिए लेके जाते थे कि मैच देखेगा। अच्छा, एक बंदा इंजर्ड हो गया, उसने कहा यार के लड़का कम हो गया, अब क्या करें, तो शोएब को खिला दो। बच्चा छोटा था, उन्होंने कहा यार बॉलिंग करा दो, बैटिंग नहीं कराते। उन्हें बॉल दिया तो मैं बॉल लेके चला गया पीछे, कहना ओ भाई वापस आ बॉलिंग करनी है। मैंने कहा ये रन अप है, ऐसे भागते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा आओ जनाब फिर आइए। फिर मैं आया है इस तरह करते करते करते, एक मिनट लगाया, वो पहले ही बॉल के डाल का लगी टुमटुमे पे, टुमटुमे टुमटुमे पे, टुमटुमा किसे बोलते हैं? टुमटुमा कहते हैं। अच्छा सर को, मैं कहीं और चला गया था। बॉल पीछे घूम के कहते हैं ये बड़े मजेदार किस्से और आगे आपको सुनने को मिलेंगे। आप जब पिछले एपिसोड में आए थे आपने काफी चीजें बताई भी थी, पर आपके एक दोस्त ने बाजी एक नई बात बताई हमें, क्या कि आपने अलग तरीके का स्ट्रगल भी किया है। आप बिना सीट की साइकिल लेके जलंधर के बल्टर पार्क में प्रैक्टिस करने जाते थे? बिना सीट की ये कोई चला ही नहीं सकता सर। मुझे लगा कि शायद सच्ची में चलाते होगे, तो हमने साइकिल भी अरेंज की बिना काठी वाली। मैंने कहा बच्ची बाजी को पूछूंगा कि कैसे चलाते हैं। बच्ची बाजी सोच लो आप जलंधर में बल्टर पार्क जा रहे हो। जब आई 2004 में 6 में बड़ा लाड किया लोगों ने इंडिया के साथ, मैंने पहली दफा देखा कपिल के इतना ज्यादा लाड लोगों का, जो लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना। हमारी पार्लियामेंट ब्लू एरिया रोड पे जहाँ पे आपको रोड था, वहाँ पे इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं, पार्लियामेंट की दीवार पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ। तुम खाना खाने जाओ पैसे नहीं लेंगे, तुम शॉपिंग करने जाओ कुछ हाथ नहीं लगा। कोई ऐसी चीज नहीं है हम दोनों मुल्कों में कपिल जो सेम नहीं है, बस सेम एक नहीं है जो ख्याल नहीं है। ये बात सही है, हम लोग जब पाकिस्तान गए थे ना हमसे किसी ने खाने के पैसे लिए ना हमने, मैंने इतने शॉल लिए अपनी मम्मी के लिए, बहनों के लिए, और किसी ने कुछ